Our chapter is going on, that is the coordination compound. We have discussed that what is the coordination compound, what is the ligand, what is the types of ligand. Now we are going to start very important chapter, that is IUPAC, not the chapter, topic, that is IUPAC, nomenclature of coordination compound. So before going start to the IUPAC nomenclature, first of all we should know that how we can give the name to the ligand. Okay, what is the ligand? Ligand, the atom, ion or neutron molecule which give the lone pair to CMI to form the coordinate bond. So how we can give the name? You have to remember it, okay, learn it. Then first is the, because we know that we have the three types of ligand is there. One is the positive, negative and neutral ligand is there. So firstly the ligand, we are going to start how we can give the name to the negative ligand. Okay, so the ligand, the name, firstly the negative ligand, the name starts end with IDE, cyanide, ITE or ATE. If the name is start, is end from IDE, ITE, ATE, word replaced by word O, जैसे sulfate, जैसे इसका है, what is the name SO42 negative? इसका नेम क्या होता है? सल्फेट. व्हाट इज द नेम? सल्फेट. तो वर्ड इज एंड विद ए टी ई. किस वर्ड से एंड हो रहा है? ए टी ई. तो इसको रिप्लेस कर देना है किसके द्वारा? ओ के द्वारा. तो व्हेन वी राइट द यूपीएससी नेम टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन वी हैव टू राइट सल्फेट को क्या लिखना है? सल्फेटो. ए टी ई वर्ड को आपने हटा देना है, रिप्लेस कर देना है किसके द्वारा? ओ के द्वारा. ओके, तो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सल्फेटो. जो आपका लास्ट वाला जो ई है उसको रिप्लेस कर देना है किसके द्वारा? ओ के द्वारा, सल्फेटो. ओके, लाइकवाइज ओ एच नेगेटिव, वी नो दैट व्हाट इज द ओ एच नेगेटिव? हाइड्रोक्साइड, ओ एक्स आई डी ई, हाइड्रोक्साइड. ओके, सो दिस वर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्ड ओ. तो वट इज द नेम? हाइड्रोक्साइड का नेम क्या हो गया? इसको हाइड्रोक्सो. वेन वी राइट द यूपीएससी नेम तो हमें क्या लिखना है? हाइड्रोक्साइड नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है? हाइड्रोक्सो लिखना है. लाइकवाइज सी एन नेगेटिव, सी एन नेगेटिव क्या होता है? साइनाइड, आई डी ई होता है. वट इज द सी एन नेगेटिव? नेम क्या है? साइनाइड, साइनाइड. लेकिन आपने लिखना क्या है? दिस आईडीई वर्ड इज रिप्लेस बाय, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा? ओ के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने. तो व्हेन वी राइट द नेम, सी एन नेगेटिव का नेम क्या हो जाएगा? साइनो. ओके, आईयूपीएससी नेम लिखेंगे, साइनाइड नहीं लिखना हमें, हमें क्या लिखना है? साइनो वर्ड लिखना है. उसके बाद हमारा क्या है? एन सी. एन सी क्या है हमारे पास? आइसो साइनो, आइसो, आइसो साइनो. नेक्स्ट वन एनओ टू नेगेटिव, इसको आप क्या कहोगे? नाइट्रो. क्या कहेंगे हम? नाइट्रो. ओ एनओ नेगेटिव को आप क्या कहते हो? नाइट्रीटो. क्या कहते हैं इसको? नाइट्रीटो वर्ड कहेंगे. ओ टू नेगेटिव को आप क्या कहेंगे? ऑक्सो. क्या कहेंगे? ऑक्सो वर्ड कहेंगे. SO42 नेगेटिव को क्या कहोगे? सल्फेटो कहेंगे. क्या कहेंगे हम? सल्फेटो. लाइकवाइज CO32 नेगेटिव को आप क्या बोलोगे? कार्बोनेटो. कार्बोनेट नहीं लिखना, क्या लिखना है? कार्बोनेटो वर्ड लिखना है. N3 नेगेटिव को आप क्या लिखना है? एजाइड. क्या लिखना है? एजाइड लिखना है, ए जेड आई डी ई, एजाइड होता है ये, तो इसको क्या लिखना है? एजाइडो. ओ वर्ड आएगा लास्ट में. नेक्स्ट NH2 नेगेटिव, एमिडो होता है, अमाइड होता है, IDE, तो उसको रिप्लेस करके क्या वर्ड आ जाएगा लास्ट में? ओ वर्ड आ जाएगा. NH2 नेगेटिव इमिडो, क्या लिखना है? इमिडो वर्ड लिखना है. NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, नाइट्रेटो वर्ड लिखना है. BR नेगेटिव को हम दो तरह से, वी कैन राइट द टू टाइप्स, either bromo, but according to the new recommendation of IUPAC, we have to write bromido. It is more correct than bromo. But if you write the bromo word, then it is not wrong. But according to the recommendation of IUPAC, it is bromido. Likewise, F negative, fluoro or fluorido. Fluoro or
फ्लोरिडो वी हैव टू राइट दिस वन. ओके, लाइकवाइज सीएल नेगेटिव क्लोरो और क्लोरिडो, लाइकवाइज आई नेगेटिव आइडो और आईडीडो, आइडो और आईडीडो, वी कैन राइट ऑल दीज वर्ड्स. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट आपका दैट इज द सीएल नेगेटिव. व्हाट इज द नेम? बिकॉज सीएल नेगेटिव इज क्लोराइड, बट यू हैव टू रिप्लेस द वर्ड आईडीई. लास्ट वाला जो आईडीई को आपको रिप्लेस करना है बाय द वर्ड ओ. तो व्हाट इज द नेम? क्लोरो. और क्या होगा? क्लोरिडो, आर आई डी ओ, क्लोरिडो. ओके, तो दीज आर द सर्टेन्स लिगेंड. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. You have to remember all this. Next one is the, we know that second one is the neutral ligand is there. So learn all this because it is important while giving the UPSC nomenclature. You have to learn it. Aapko yaad karna hi padega. Otherwise, you will not able to give the UPSC name. Okay? So next one is the neutral ligand. Next one is neutral ligand. Neutral ligand. Neutral ligand. You have to remember this name. Firstly, H2O. We have to, while giving the UPSC name, we have to give the name aqua. Kya name dena hai? AQUA. Aqua, not the water. Water nahi likhenge, kya likhenge? Aqua word likhenge. NH3. Amine. AMMINE, अमीन, नोट द अमोनिया. अमोनिया नहीं लिखना है हमें, क्या लिखेंगे? अमीन. नेक्स्ट वन इज CO, कार्बोनिल, कार्बोनिल. नेक्स्ट NO, नाइट्रोसिल. नेक्स्ट EN, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन. और इसका नेम क्या है? इथेन 1,2-diamine. तो वी कैन गिव बोथ द नेम ऑल्सो. नेक्स्ट इज PH3, फोस्पीन. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम. ओके, वाइल गिविंग द नेम यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम. और लास्ट वन इज देयर C6H5. C6H5 का होल थ्राइज पी. ओके, तो व्हाट इज द नेम? ट्राइफेनिल फॉस्पीन. व्हाट इज द नेम? ट्राइफेनिल फॉस्पीन, फॉस्पीन, ट्राइफेनिल फॉस्पीन. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम इज देयर. नेक्स्ट द आई एम राइटिंग बिकॉज देयर इज ओनली वन और टू इज देयर. पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड. नेक्स्ट इज पॉजिटिव लिगेंड, ओनली वन लिगेंड इज देयर, NH2, NH3 पॉजिटिव. हाइड्रोजीनियम, बिकॉज वी वर्ड इन द पॉजिटिव लिगेंड वी यूज द वर्ड IUM एट द एंड. एंड में हम कौन सा वर्ड ऐड करते हैं? IUM, जैसे अमोनियम. तो व्हाट इज द नेम? NH2, NH2 का जो नेम होता है दैट इज द हाइड्रोजीन. तो हाइड्रोजीनियम, NIUM, hydrazinium. So it is all about our the name of ligand. Now we are going to start step by step how we can give the name to the ligands. Okay, we will discuss because in the books all the names are given collectively, the name is given, but we will discuss one by one according to basis of the ligand. So we have a lot of ligand is there. Firstly, जो आपके न्यूट्रल हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, उसका नेम कैसे देंगे? We will discuss it. फिर हम स्टडी करेंगे, we will study जहाँ पे आपका ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज इज देयर, तो उसका हम कैसे नेम देंगे. फिर हम स्टडी करेंगे नेगेटिव चार्ज वाला हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसका नेम कैसे देना है वो हम डिस्कस करेंगे. फिर आपका होता है अगर इफ एनी केटायन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, अगर इस साइड में अगर कोई केटायन है तो उसका नेम कैसे देंगे. और उसके बाद हम स्टडी करेंगे यहां पर आपका क्या हो, कोई एनी एनायन इज देयर, अगर आपका कोई एनायन है तो उसका हम क्या कैसे उसकी IUPAC nomenclature. और लास्ट होगा इफ टू लिगेंड्स आर जॉइनिंग टू इच अदर. तो दीज आर द मेनली 1, 2, 3, 4, 5 and 6 टाइप्स इज देयर एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन. ओनली स्लाइटली चेंज इज देयर,
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज है. ओके, तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टडी द हाउ वी कैन गिव द यूपीएससी नेम ऑफ ऑफ न्यूट्रल लिगेंड. ओके, इस टाइप्स के कोई कंपाउंड है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल जैसे पीटी NS3 का होल 4 Cl2. सपोज दिस वन इज गिवन टू अस एंड वी हैड टू गिव द IUPAC नेम. ओके, तो देखिए इसके अंदर बिकॉज इट इज व्हाट इज दिस पीटी, पीटी इज सेंट्रल मेटल आयन CMI, ऑल दीज टू आर लिगेंड. ओके, ऑल दीज आर लिगेंड्स. ओके, अमोनिया इज लिगेंड, NS3 इज लिगेंड एंड Cl इज ऑल्सो लिगेंड. तो फर्स्ट रूल इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल we give name to ligands, ligands according to alphabetic order का मतलब जो अल्फाबेट्स में पहले आ रहा है. NS3 का नेम क्या है? अमीन. स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से हो रहा है. ये आपका क्या है? क्लोरिडो. किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से. तो पहले किसका नाम लिखेंगे आप? अमीन का नाम लिखेंगे और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे हम? Cl का नाम लिखेंगे, क्लोरिडो का नाम लिखेंगे. ठीक है बेटा. सेकंड आपका रूल होता है इसके अंदर, इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट Then for two same ligand we use the word di. उसके नेम से पहले हमें क्या वर्ड करना है, यूज करना है? डाई वर्ड यूज करना है. अगर आपके थ्री हैं तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ट्राई. अगर फोर है देन टेट्रा, फाइव है पेंटा, सिक्स है हेक्सा. लाइकवाइज वी यूज द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा वर्ड हम यूज करेंगे. ओके, थर्ड आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. If a ligand already contain di tri word in his name, अगर आपके ligand के नाम में पहले से कोई ऐसा word आ रहा है जिसमें di word आ रहा है, tri word आ रहा है, I will explain with the example, then for two same ligand, दो अगर आपके सेम के लिए, हाँ यहां तो हम क्या यूज कर रहे थे? वी आर यूजिंग द वर्ड डाई, हम डाई कर रहे थे. लेकिन यहां डाई नहीं करके हम वर्ड क्या यूज करेंगे? बिस. ये वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? बिस वर्ड. फॉर द थ्री के लिए ट्रिस. ओके, फोर अगर आपके एक जैसे हैं तो टेट्राकिस, ऐसे ही पेंटाकिस, हेक्साकिस, ऐसे चलते जाएंगे. जैसे सपोज इन आपका क्या, व्हाट इज द नेम? इथाइलीन डाइअमीन. ओके, तो इसके नेम में ऑलरेडी क्या वर्ड आ रहा है? डाई वर्ड आ रहा है. ठीक है, अगर उसके नेम में आता है तब भी हम बिस्ट्रिस टेट्राकिस वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये वर्ड यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये वर्ड यूज करेंगे. ध्यान में रखना है, अगर आपके लिगेंड के नेम में अगर आपका डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड आ रहा है तब हम क्या यूज करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस वर्ड वी विल यूज. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. देन आपके इथाइलीन डाई अमीन, व्हाट इज द नेम? इथाइलीन डाई अमीन इज देयर, डाई. देन इफ टू लिगेंड आर देयर तो वी विल यूज द वर्ड बिस, हम क्या यूज करेंगे? बिस वर्ड यूज करेंगे, नॉट द डाई वर्ड. ध्यान रखना, आई विल एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट इज देयर, नेक्स्ट इज फोर्थ रूल. व्हाट इज द फोर्थ रूल? आफ्टर गिविंग अ नेम टू लिगेंड, After giving name to ligand, we give name to central metal ion. Okay, आपने किसका नेम देना है? Central metal ion का नेम देना. जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका PT है, platinum, तो platinum word लिख देंगे हम. ठीक है, then after the name
आफ्टर द नेम ऑफ सी एम आई वी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सी एम आई इन स्मॉल ब्रेकट. इन स्मॉल ब्रेकट इसके अंदर, स्मॉल ब्रेकट में इन रोमन वर्ड. किस वर्ड में लिखना है? रोमन वर्ड में. यानी कि ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 4 ऐसे नहीं. फर्स्ट दो आती है तो सेकेंड, ये आपका थर्ड फोर्थ, ऐसे लिखने आपने. ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट अवर जनरल रूल्स विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपाउंड. सबके लिए यही रूल लागू होगा, एप्लीकेबल होगा. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द नेम लिगेंड. सबसे पहले किसका नाम देना है? लिगेंड का नेम देना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर. तो वी विल नॉट सी द वर्ड डाइट राइट एट्रा, वो नहीं देखना. लिगेंड का नेम देखना है आपने. क्या देखना है? लिगेंड का नेम. वी हैव टू सी द नेम ऑफ लिगेंड, नॉट ये आपका. जैसे यहाँ पे फोर है तो टी नहीं देखना. टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, वी विल नॉट सी द टेट्रा. वट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी द नेम ऑफ लिगेंड. सो वट इज द नेम? देखिए इसका नेम क्या होगा. नेम हो गया ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द नेम टू लिगेंड. ये आपका अमीन, ए से स्टार्ट, दिस इज क्लोरिडो, सी से स्टार्ट. तो सबसे पहले फर्स्टली वी विल राइट द नेम ऑफ अमीन. कितने हैं टोटल? फोर. फोर को लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टेट्रा. और इसका नेम क्या है? अमीन. NH3 का नेम क्या था? मैंने बताया अमोनिया नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट अमीन. नेक्स्ट आपका क्या है? ये टू है, टू के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? डाई क्लोरिडो. डाई क्लोरिडो, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो. फिर उसके बाद लिगेंड का हमने दे दिया. After giving the ligand, किसका देना है? CMI. CMI का क्या लिखेंगे? Platinum. Then oxidation state in small bracket. Oxidation state निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका X. ये ध्यान रखना है, you have to remember. NH3 दिया हो बेटा, water दिया हो, CO दिया हो, C6H6 दिया हो, in given हो, all these have जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो होती है. ओके, ध्यान रखिए. ये एक्स, तो ये आपका क्या होगा? जीरो हो गया. वन सीएल हैज वन नेगेटिव चार्ज. एक सीएल पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? वन नेगेटिव. यहाँ कितने सीएल है? हाउ मेनी सीएल इज देयर? टू. तो -2 इज इक्वल टू, इधर देखते हैं, हेयर इज, अगर कोई चार्ज होता है तो वो लिख देते हैं, हेयर इज नो चार्ज तो जीरो लिख देते हैं. तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2 आ गया. इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड. क्लियर हो गया? तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके नेम दे सकते हैं. मैं एक और आपको एग्जाम्पल लेता हूं, एक कोई सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर. लाइक वाइज दिस वन इज गिवन CO NH3 का होल ट्वाइस एंड चलिए Br2 कर दिया और आई हैव रिटर्न इन लिख दिया. ठीक है बेटा, सपोज दिस कंपाउंड इज गिवन, इट इज न्यूट्रल. तो फर्स्टली वी हैव टू गिव द नेम टू लिगेंड. लिगेंड को नेम देना किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर. आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है. तो ये आपका स्टार्ट किससे हो रहा है? अमीन ए से. ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ब्रोमिडो बी से. ये किससे स्टार्ट हो रहा है? इथाइलिन डाइमिन ई से. सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे? इसका. हाउ मेनी? दो. टू है तो डाई अमीन. फिर आपका क्या है? डाई ब्रोमिडो. फिर आपका क्या है? ओनली वन इज देयर, तो नो नीड टू यूज द वर्ड डाई टाइटेट. वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, वन ही है. तो फिर आपका क्या है बेटा? इथाइलिन डाई अमीन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट. नहीं, इसका नेम क्या है? कोबाल्ट. देन वी विल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, तो इसका एक्स, ये आपका क्या हो गया? NH3 का जीरो. वन Br हैज वन नेगेटिव. हाउ मेनी Br? टू. तो -2. इन आपका कितना था? जीरो है. तो आपका +0 इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? सेकेंड आ गया. ओके,
तो वी कैन गिव द नेम. आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इट. एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. एक चीज और, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अनदर वन थिंग, दैट देर इज नो गैप बिटवीन वाइल राइटिंग द नेम. अगर आप जब नाम लिखते हो तो इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस लिखा जाता है. ओके, ये ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. सो दिस वन इज गिवन, सी ओ इन का होल ट्वाइस एंड एंड राइट, चलिए वट एवर एनी यू कैन राइट, बी आर टू. सो दिस इज गिवन. ओके, कहता है वट इज द नेम. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेम, देखिए इसके अंदर हाउ वी कैन राइट द नेम. राइट द नेम, तो फर्स्टली लिगेंड, इट स्टार्ट फ्रॉम बी, इट स्टार्ट फ्रॉम ए. तो इसका नेम पहले लिखना है, तो आपको क्या हो जाएगा, डाई डाई डाई. बी आर को क्या कहते हो, आइदर ब्रोमिडो, डाई ब्रोमिडो. नाउ हेयर इन, इसके नेम में क्या आ रहा है, इथाइलिन डाइअमीन, यानी कि डाई जो वर्ड है वो पहले से आ रहा है, ऑलरेडी इट्स कम द डाई नेम. सो वी विल नॉट राइट द वर्ड डाई, हेयर वी यूज द वर्ड बिस. आपने क्या यूज करेंगे, बिस, नॉट द डाई वर्ड. इफ द लिगेंड कंटेन्स डाइट्राइटेट्रा वर्ड, देन वी विल नॉट यूज द वर्ड डाइट्राइटेट्रा, यू हैव टू राइट द बिस. नेक्स्ट इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन, तो डाइब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाइअमीन. नेक्स्ट कोबाल्ट, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट. ये एक्स प्लस इन की क्या होती है, जीरो, इसका माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू सेकेंड. सो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द यूपीएससी नॉमिनेशन. सो आई एम राइटिंग ए जनरल रूल. ओके, आई एम राइटिंग ए जनरल रूल. हाउ वी कैन गिव ए जनरल रूल इज देयर. ओके, तो आई एम राइटिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड. ओके, ए टू जेड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक, और हेयर वी कैन राइट यूज डाई ट्राई टेट्रा वर्ड और बिस ट्रिस वर्ड. ओके, अकॉर्डिंग टू द नेम, देन नेम ऑफ लिगेंड. फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, विल राइट द नेम ऑफ सी एम आई, सेंट्रल मेटल आयन का आपने नाम लिखना है. आफ्टर राइटिंग द नेम हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सी एम आई, किसके अंदर, इन स्मॉल ब्रैकेट, इन रोमन वर्ड, रोमन वर्ड. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट अवर हाउ वी कैन गिव द नेम. So it is all about today lecture. Tomorrow we will start the next. What is the next? Next is when positive charge is there. So we will start it.